आज आपके साथ रेसिपी शेयर करी हुई। कराची का मौसम तो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्योंकि अगस्त का महीना है, मक्खियाँ तंग कर रही हैं मगर मौसम बड़ा खूबसूरत बना है। तो हमने सोचा अब आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं हेल्थी, क्योंकि मौसम ख़राब है तो लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं तो उसका हल भी तो निकालना पड़ेगा। तो हमने हल निकालने के लिए बनाया है, बीमार हो रहे हैं, नज़ला खांसी बुखार चल रहा है तो इससे अच्छी रेसिपी हो ही नहीं सकती। तो हमने सोचा आज हम आपको सिखाएंगे बॉन मैरो का सालन, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। भी बॉन मैरो का सालन की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सब चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। को चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मैरो का सालन बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने 1.5 kg बीफ बोन मैरो ले लिया है। यहाँ देख सकते हैं नली बाकायदा आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ देख सकते हैं 3 अदद बारीक कटी प्याज ले ली है मीडियम साइज़ की। टमाटर ले जिसे स्लाइस में काट लिया है। 2 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 2 teaspoon रेड चिली पाउडर। खड़े मसाले जो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे बीफ बोन मैरो का, जो हमें सालन बनाना है यही इन चीज़ों से तो फ्लेवर आता है सबसे ज़्यादा। यहाँ देख सकते हैं ये है हमने लिए हैं होल मसाला, मतलब तमाम खड़े मसाले लिए हैं हमने। 1 अदद तेज़पत्ता, 1 अदद बड़ी इलायची, 8 अदद लौंग, 2 अदद बादियान के फूल, 1/4 teaspoon शाही, 3 स्टिक हमने लिए दालचीनी, 1/4 साबुत, 1/4 teaspoon 1/4 teaspoon वाइट जीरा। मैरो का सालन बनाने के लिए तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बीफ बोन मैरो का सालन बनाने के लिए एक पोट लिया है। पोट के अंदर हमने ऐड कर दिए हैं बोन मैरो, उसमें ऐड कर दिया है 2 लीटर पानी। मैरो हमने ले ली थी 1.5 किलो, अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 2 लीटर पानी और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी, इसके अंदर हमने ऐड कर दी है और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर 2 अदद स्लाइस में कटे हुए, स्पाइसेस धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तमाम खड़े मसाला, शाही जीरा, काली मिर्चें, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और हम बादियान के चीज़ हम इसके अंदर एक साथ इसके ऐड कर देते हैं। 1 teaspoon नमक, ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। यहाँ देख सकते हैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स, तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर करके रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए ताकि हमारे बीफ बोन के अंदर ऐड कर दिए, इसको हम कवर करते हैं और उसको हम 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे बीफ बोन मैरो को गलने के लिए रखेंगे ताकि हमारे अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे 2 से 3 घंटे के ब्रेक के बाद। बोन मैरो के सालन को 3 घंटे हो चुके हैं कुक करते हुए, अब इसका हम कवर हटा के आपको उसका लुक दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं इसमें निकल चुकी है, अब इसको हम दिखा देते हैं कि हमारे बोन मैरो गले हैं या नहीं। ये देख सकते हैं ऊपर का गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, देख सकते हैं हटना शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं गल चुका है, इसका मतलब है हमारे बोन मैरो का जो ऊपर का गोश्त है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। फिर आपको दिखाते हैं, अब हम इसकी यखनी को छानेंगे। यहाँ देख सकते हैं यखनी को छान रहे हैं, छान रहे हैं, छान लिए, हमने छान ली है अच्छी तरीके से। अब ये देख सकते हैं ऊपर हमारा जो प्याज और हमने सारी चीज़ें डाली थी वो आ चुके हैं, उसको मसाले को हम भूनेंगे, पोट के अंदर इस मसाले को डाल के हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, अच्छी तरीके से इसकी करेंगे भुनाई। छान लिया, इसको हम कवर करके रखते हैं एक साइड पे, जब जिस टाइम हमें यूज़ करनी होगी फिर आपको दिखाएंगे। बोन मैरो अच्छी तरीके से गल चुके हैं, इसको भी हम एक साइड पर रखते हैं, यखनी और एक तरफ हमारे बोन मैरो जो हमने अच्छी तरीके से टेंडर कर लिए हैं, आपको दिखा भी दिए हैं, इसको हम कवर करके रखते हैं दोनों को। चलिए यहाँ देख सकते हैं टमाटर, जो थोड़ा प्याज जो हमने छान के निकाली थी इसको हम पीसेंगे और हमने जो इसका गर्म मसाला उसको डिस्कार्ड ले लिया। पोट के अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर और प्याज वाला मिक्सचर जो हमने पीस लिया है अच्छी तरीके से, अगर हम पीसते नहीं तो फिर मुँह में आते वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। मिक्सचर को हमने इसमें ऐड कर दिया, इसका क्या करते हैं आपको बताते हैं। प्याज के अंदर ये तैयार कर लिया था, इसमें हमने ऐड कर दिया था फोड़ के, इसके अच्छी तरीके से हम करेंगे भुनाई। ये जो हमने यखनी सेपरेट की है उसी के ऊपर की हम तरी इसमें ऐड करेंगे जिसे हम कहते हैं उर्दू में रोगन, तो उसको ऐड कर देते हैं रोगन को, उसी रोगन दाल डाल के इस मसाले को अच्छी तरीके से करेंगे इसकी भुनाई। इसके अंदर पेस्ट बना के शामिल करें, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं मगर प्याज और टमाटर भी मुँह में आते हैं बहुत बुरा लगता है, इसलिए पीस के डालें तो बहुत अच्छा का फ्लेवर भी आता है। सालन जो है आपका गाढ़ा हो जाता है, सालन आपका थिक हो जाता है।
माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बॉन मेरो का जो सालन उसको मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बॉन मेरो जो हमने अच्छी तरीके से कर लिए थे टेंडर। बॉन मेरो को उसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम यखनी जो हमने अलग कर ली थी, सेपरेट कर ली थी, छान के हमने आपको दिखा दिया था उसका प्रोसीजर। अब इसके अंदर तमाम यखनी ऐड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे जो हमने अलग कर ली थी, सेपरेट कर ली थी। यहाँ देख सकते हैं हमने छनी हुई यखनी इसमें ऐड कर दी है। अब इस सालन को हम 15 से 20 मिनट तक करेंगे कुक। मसाले का फ्लेवर तमाम यखनी के अंदर शामिल हो जाए, इसको हम 15 मिनट करेंगे कुक कवर करके। अब इसके अंदर हम कर रहे हैं इसको कवर, 15 मिनट बाद इसका लुक दिखाएंगे आपको। बॉन मेरे को सालन को 15 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, इसका लुक दिखा देते हैं हम कवर हटा के आपको। ये देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से बन चुका है, कितनी अच्छी तरी आ चुकी है, कितना अच्छा रोगन आ चुका है, कितने अच्छे तरीके से हमारे बॉन मेरो टेंडर हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर दो हरी मिर्चें जो बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप करती हैं बॉन मेरो के अंदर। हसबे ज़रूरत बारीक कटा हरा धनिया, हम बॉन मेरो के सालन के अंदर हमने हरा धनिया डाल दिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा इसका लुक आता है और चार चांद लग जाते हैं आपके हर रेसिपी को हरा धनिया डालने। ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, उसके बाद हम करेंगे डिश और उसका दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। बॉन मेरो का सालन हो चुका है कम्प्लीट, जिसमें गार्निश करा हरा धनिया हरी मिर्च के साथ। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा डिशेज बनके तैयार होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर।